हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस्ड स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ अरुणाचल प्रदेश CNM के बारे में, जिसका जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन आपको इसमें टाइप करना है अरुणाचल प्रदेश CNM 2023 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आपको अरुणाचल प्रदेश CNM से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे दिया गया अरुणाचल प्रदेश CNM 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड देन यहाँ पे आपके सामने फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हज क्वालिफिकेशन, एप्लीकेट फी, काउंसलिंग में क्लिक करना होता है। ऐसे क्या होता है, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुका है, क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स। आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे देन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे, जहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया कितने स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन, देन सेकेंड में वेरीफाई, थर्ड है पे एप्लीकेशन फीस, फोर्थ अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड देन फिफ्थ है एप्लीकेशन फीस। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया गया, आपको सबसे पहले आपको अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन आपके फ़ोन में एक OTP आएगा। देन यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट प्रोग्राम, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड देन सेलेक्ट कोर्स। देन आई एग्री पे क्लिक करके आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना रहता है। बट अगर आपने पहले रजिस्टर किया तो सब सिर्फ आपको अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड टाइप करके चेक टू रिमेंबर पर क्लिक करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना रहेगा। तो हम न्यू हैं तो पहले हम सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे। देन रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, देन अल्टरनेट मोबाइल नंबर, देन स्टेट, सिटी, प्रोग्राम एंड डिपार्टमेंट, कोर्स एंड आपको सेव इन नेक्स्ट पर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर टाइप करना होगा एंड देन आपको सेव इन कंटिन्यू में क्लिक करना रहेगा। देन उसके बाद आपको सेव इन कंटिन्यू में क्लिक करना होता है। थर्ड स्टेप में जो है आपको अपना एप्लीकेशन फीस देना रहता है। आप एप्लीकेशन फीस अपना किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। देन आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जिसमें आपको अपना नेम, सर नेम, मिडिल नेम, देन आपका डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर एंड ब्लड ग्रुप एंड देन आपको अपना पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जिसमें आपको आपके फादर नेम, मदर नेम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका स्टेट मतलब कहाँ पर रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। तो इस तरह से आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।